गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल ड्रीम्स मेक रियल। टूडे आई एम गोइंग टू डू विद ऑल ऑफ यू 9th क्लास इंग्लिश वर्कशीट नंबर 2 डेटेड ऑन 8th of April 2021। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वर्कशीट। तो बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, राइटिंग स्किल करेंगे आपका। तो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू सेशन। आप सब लोगों का स्वागत है, आप नई क्लास में आ गए हैं, 9th क्लास में। वी ऑल नो दैट यू फेस्ड मैनी चैलेंजेस लास्ट ईयर। हम सब जानते हैं कि आपने पिछले साल बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया है। द स्कूल्स हैव नॉट रीओपन इवन नाउ, और यहाँ तक कि स्कूल अभी भी खुले नहीं हैं। वी डोंट नो व्हेन वी विल बी एबल टू रिज्यूम अवर क्लासेस इन स्कूल। हम नहीं जानते हैं कि पता नहीं हमारे स्कूल में क्लासेस कब लगेंगी। फ्यू ऑफ योर क्लासमेट्स फ्रॉम दिल्ली शेयर्ड देयर फीलिंग्स विद अस एज लिटिल नोट्स गिवन बिलो। तो बच्चों, कुछ क्लासमेट्स हैं दिल्ली से जिन्होंने अपनी फीलिंग्स को शेयर किया है और जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, यानी कि बच्चों की फीलिंग्स हैं जो बच्चों ने अपनी टीचर्स के साथ शेयर की हैं। 3 बच्चे हैं, 3 बच्चों के नाम दिए गए हैं, साहिल है, रेनू है और सिमरन है। इन बच्चों ने अपनी फीलिंग्स बताई हैं। तो लिखा है कि डियर मैम, आई एम फीलिंग हैप्पी दैट आई एम इन क्लास 9th नाउ, बट आई एम वरीड ऑल्सो। मैडम, मैं बहुत खुश हूँ कि अब मैं 9th क्लास में हूँ, साहिल बोल रहा है ये, बट आई एम वरीड, लेकिन मैं चिंतित भी हूँ। आई एम स्टिल वरीड डैट कोरोना केसेज आर गोइंग अप एंड कमिंग टू स्कूल में भी डिफ़िकल्ट। मैं इसलिए चिंतित हूँ कि कोरोना के केस जो हैं अभी भी बढ़ रहे हैं और स्कूल आना पॉसिबल नहीं है, स्कूल शायद ही खुले, स्कूल खुलना मुश्किल है। आई ऑल्सो फील दैट आई एम अनएबल टू फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन इन द ऑनलाइन क्लास। मैं ये भी महसूस करता हूँ कि मैं असमर्थ हूँ फॉलो करना सारे इंस्ट्रक्शंस को जो ऑनलाइन क्लास में दिए जाते हैं, उन सबको मैं फॉलो नहीं कर पाता हूँ। आई नो दैट यू विल हेल्प मी, मैं जानता हूँ कि आप मेरी मदद करेंगी, बट आई स्टिल फील लोनली एंड स्केयर्ड, लेकिन फिर भी मैं डरा हुआ हूँ और अकेला महसूस करता हूँ। ये एक बातें कौन बता रहा है, साहिल बता रहा है। अब रेनू की बात सुन लेते हैं कि रेनू क्या बता रही है। डियर मैम, I am happy to be in class 9th. मैं खुश हूँ क्लास 9th में। The last 1 year was difficult, but I learned many new things. पिछला एक साल बहुत difficult रहा, लेकिन मैंने बहुत नई नई चीज़ों को सीखा। I learned I can use WhatsApp and Google for my learning. मैंने सीखा कि WhatsApp और Google में किस तरह से सीखा जाता है, किस तरह से पढ़ाई होती है। इससे पहले मोबाइल हमारे टच में नहीं थे, लेकिन अब इस पिछले साल जो बच्चों के हाथों में फ़ोन आए हैं, बच्चों ने जाना है कि किस तरह से YouTube से काम निकाला जाता है, Google Meet पर मैडम के साथ कन्वर्सेशन की जाती है। एंजॉयड वर्किंग ऑन द पैडलेट टू, बट आई वॉज एबल टू स्टे इन टच विद माई फ्रेंड्स थ्रू सम ऑफ द एक्टिविटीज़ यू गेव। मैं ये भी एबल था, मैं समर्थ था कि मैं टच में रह सकूं अपने फ्रेंड्स के, जो आप एक्टिविटी मुझे देती थी ना, उनके जरिए मैं अपनी फ्रेंड्स के टच में भी रहा। इट रिमाइंडेड मी ऑफ माय क्लासरूम, यह मुझे मेरी क्लासरूम की याद दिलाता है। विल वी कंटिन्यू टू स्टडी लाइक दिस, क्या हम इसी की तरह अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखेंगे, रेनू पूछ रही है अपनी मैडम से। तो बच्चों, इस बारे में तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना अभी भी चल रहा है और कोरोना के केस डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं। तो अब चलिए सिमरन के केस, सिमरन की फीलिंग्स को जान लेते हैं। सिमरन क्या बोल रही है कि डियर मैम, आई एम फीलिंग स्केयर्ड दैट कोरोना केसेज आर इंक्रीजिंग। वही बात है जो मैं बता रही हूँ कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। My parents go out every day to work. लेकिन मेरे parents जो है ना, वो रोज़ काम पर जाते हैं। I worry for them also. मुझे उनके लिए चिंता होती है। I want to come to school. मैं स्कूल आना चाहती हूँ, but my parents are worried. लेकिन मेरे parents जो है वो चिंतित हैं और हमें स्कूल भेजना, मतलब मैं तो चाहती हूँ स्कूल आना, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुझे स्कूल भेजने में चिंतित हैं। आई हैव अटेंडेड ऑनलाइन क्लासेस, मैंने अटेंड किए हैं ऑनलाइन क्लासेस, बट नॉट ऑल ऑफ देम एज माई डाटा पैक रन्स आउट। लेकिन क्या होता था कि जब मैं ऑनलाइन क्लास लेती थी, सिमरन कह रहा है लेता था, तो मेरा डाटा पैक ख़त्म हो जाता था और मेरी क्लास बीच में रह जाती थी। ऐसे ही होता है ना बच्चों, आप लोगों के साथ भी। तो मैम, विल क्लास 9th सिलेबस विल बी डिफ़िकल्ट। तो क्या 9th का सिलेबस बहुत ही डिफ़िकल्ट है, सिमरन पूछ रहा है।
तो आई एम वरीड हाउ आई विल बी एबल टू स्टडी, मैं बहुत ही चिंतित हूँ कि क्या मैं स्टडी कर पाऊँगा इस तरह से। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू फोकस ऑनलाइन, मैं चाहता था, मैंने बहुत ही मुश्किल पाया, डिफ़िकल्ट पाया कि मैं ऑनलाइन स्टडी में फोकस नहीं कर पाता था। आई मिस माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा मिस किया। वैन विल कोरोना गो अवे, ये कोरोना कब जाएगा। सिमरन बोल रही है या बोल रहा है, आप लड़का समझ सकते हो या लड़की समझ सकते हो। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, रेफर टू द नोट्स रिटन बाय साहिल, रेनू एंड सिमरन। नाउ थिंक अबाउट योर फीलिंग, तो अब आपको अपनी फीलिंग्स बतानी है कि क्या आपकी फीलिंग्स में और उनकी फीलिंग्स में क्या चीज़ कॉमन है। ठीक है, चलिए पहले हम साहिल के बारे में देखते हैं कि आई टू फील वरीड, मैं भी चिंतित हूँ अबाउट द राइज की जो कोरोना है वो केस बढ़ रहे हैं। आप एक ये भी लिख सकते हैं इसका कि आई आल्सो फील स्केयर्ड एंड लोनली। आप भी अकेला महसूस करते थे और डरे हुए थे, है ना, एंड वॉन्ट सब हेल्प, और आप भी कुछ क्या चाहते थे, कुछ मदद चाहते थे, एंड वॉन्ट सम हेल्प, आप भी तो चाहते थे कि कोई आपकी मदद करे, है ना। तो रेनू के बारे में बच्चों आप क्या लिखोगे, आई एम ऑल्सो फीलिंग गुड टू कम, है ना। एक तो पहले आप ये भी लिख सकते हैं कि आई ऑल्सो फीलिंग, आई ऑल्सो फीलिंग वेरी नाइस, है ना, टू बी इन नाइन्थ क्लास। की आप सबसे पहले तो बहुत ही खुश हैं कि आप नाइन्थ क्लास में आ गए हैं, ठीक है। और क्या लिखोगे बच्चों, एक इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि आई ऑल्सो लर्नड हाउ गूगल एंड यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब से ही बच्चों आपने ज़्यादातर काम किया है, यूट्यूब वर्क, ठीक है। आई ऑल्सो लर्नड हाउ गूगल एंड यूट्यूब वर्क, आपने ये भी सीखा कि किस तरह से गूगल और यूट्यूब काम करता है, ये आपने